सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सतगुरु कबीर जी की। आज सम्मान एक अधिकार शुक्रताल में कबीर जी का आश्रम है और यहाँ पर एक गुरु महाराज पानी छिड़क रहे हैं जो रहते हैं, और ये सामने हमारा बुद्ध विहार है, एकता बुद्ध विहार, जिस पर यहाँ मैं आया था बाबा साहब की विचारधाराओं को इस क्षेत्र के अंदर जन जन तक फैलाने के लिए। तो कुछ रुकावटें हैं अभी थोड़ी सी, उसके बाद शुरू होगा। आप सभी लोगों को मैं मिलवाता हूँ सतगुरु कबीर जी, जिनकी 50 वर्ष हो चुके हैं आज यहाँ। कल मेरी उनसे बात हुई थी, ये सतगुरु कबीर जी का आश्रम है और यहाँ चारों आश्रम ही आश्रम है, आश्रम ही आश्रम है यहाँ। तो मैं अभी आपसे दर्शन कराऊंगा सत साहिब के, और देखते हैं वो कबीर जी के, क्योंकि साइड में एक और कबीर जी की विचारधारा है यहाँ। ये दो आश्रम है, एक ये कबीर जी का चल रहा है, इधर भी सतगुरु कबीर जी का है, पपीते लगे हुए। मैं अभी मिला हुआ, ये पहला रूप है कबीर जी का ये। तो अभी मैं महाराज जी से दर्शन कराऊंगा आपकी, संत महाराज हैं ये। सत साहिब कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी ने कब क्या वाणी बोली, चार चार मत इसके अंदर हैं और उसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे सम्मान एक अधिकार द्वारा, क्योंकि यहाँ चारों ओर ग्रीन ही ग्रीन है और यहाँ पर हर एक कदम पर अलग 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 पंथ हैं। कबीर साहब के चार चार पंथ बताए जाते हैं, एक पूजा पाठ कर रहा है, एक उसका बहिष्कार कर रहा है, एक अलग तरीके से हैं। तो आज मैं सत साहिब से मिलवाता हूँ यहाँ पर, और जानते हैं कि कम शब्दों में कि सतगुरु कबीर जी क्या कहते हैं, सतगुरु कबीर ने किसकी वाणी बोली है। यह हमारे सतगुरु कबीर जी की आश्रम है और गुरु जी सत साहिब जी, जी आपको जो सतगुरु कबीर जी की जो आप शिष्य बने हैं, कितने साल हो गए आपको? हो गए 50 साल। 50 साल, हाँ जी। तो ये जो आश्रम है इसका जो है सतगुरु कबीर जी के इतने मानने वाले हैं, इसका सौंदर्यकरण बढ़िया तरीके से क्यों नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए? देखो जी, ऐसा है तो संस्था होती है ना, जी जी है, किसी की छोटी संस्था होती है, किसी की बड़ी संस्था होती है। अच्छा, है जी, इसकी भी संस्था है? हाँ, संस्था होती है ना, जिसका जिसका हिसाब होता है। वैसे तो संस्था वैसे रही तो क्यों, ये व्यक्तिगत होने के कारण जी है, इसलिए इसको कोई तरीके नहीं हो पाती। ये व्यक्तिगत है किसी का? हाँ, बस हमने ये जो था ये बैनर की जमीन लेगा और जब बनाया था। अच्छा अच्छा, तो यू तो मतलब पर्सनल, आप मतलब वैसा नहीं है समाज के पैसों का? नहीं, हाँ, आप ही लोगों का, यू अपना पर्सनल हो गया। हाँ जी, तो इसमें लोग ज़्यादा इतना इन्वॉल्व भी नहीं होने के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा लोग रुचि नहीं लेंगे ना इसमें? इसमें ज़्यादा देखो जी, रुचि तो ऐसे नहीं देखते कि वो जो जो ये है जो जो कबीर मच के मानने वाले जी, बहुत थोड़ा आदमी है। अच्छा, और जो 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 मान लो ये पारक सिद्धांत को जो जानने वाले हैं वे इससे जुड़े हुए हैं जी, और जो जो है पारक सिद्धांत से जो जुड़े हुए हैं तो मैं इसको मानते हैं, और बाकी जो लोग बाग जो है मान लिया भ्रमित लोग हैं, उनमें तो बिना बुलाए आ जाते हैं जी जी, है जी? और यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, और ये जहाँ कहीं होगा, कहीं वो बंदर की बात आओगी या किसी उसकी आओगी या मान लिया कोई पाखंड वाली बात आओगी, वहाँ उससे ऐटोमेटिक आदमी जुड़ जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ शुक्रताल में भ्रमण करा है, यहाँ सतगुरु जो संत हैं रविदास जी के और वैसे आश्रम है, हाँ। और यहाँ बहुत बुरा हाल है यहाँ, हाँ। जो है
यहाँ दो चीज है, एक तो आश्रम कबीर जी का देखा है या सामने बुद्ध विहार है गाय यहाँ पे। हाँ जी, तो ये दो पाखंड का विरोध कर रहे हैं केवल बस, है जी। हाँ जी, तो और सब बर्मिश हैं। आपने कबीर जी की कौन कौन सी वाणी है, कुछ वाणी बोली है, कुछ कबीर जी की, कुछ सिक्का है, 50 साल आपने जीवन दे दिया आपने। कबीर साहब की तो बाणी बहुत है, बहुत बाणी है इसमें। कबीर साहब ने कहा वो तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया, उदयस की बात कहते सबका किया बीतेगा। उनका जहाँ तक सूरज निकलता है और जहाँ तक छिपता है वहाँ तक हमने भी विवेक करके देख लिया इस बात का। आज तक किसी ने यह निकाह कि मैं सुखी हूँ आज तक की बात जी। देखो बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या घरे और क्या बैराग्य, हर सुखाचार्य ने दुख के कारण घर भी माता दी, उनका दुख उनका भी नहीं छूटा भले ही। फिर कह सूरत में उनका साज को तो सब जग खीजे, हैं साज को तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाए कही कबीर अति बहुत दुखिया, जिसने राह चलाई उनको वो भी दुखी। उनको जैसा कोई ईश्वर भगवान करता मानता है ना कोई जी जी, वो भी उनका उनको वो भी दुखी है, किसी को मारने में लग रहा, किसी को जुबाने में लग रहा, किसी को कहने में लग रहा हो, है ना। तो रास्ता उसे भी नहीं पा, लेकिन ये जो है जो जो ये बात है मान लिया ईश्वर भगवान की या खुदा अल्लाह की, ये काल्पनिक बात है, ये कागजों में है ये जी, इनके जी जमीन स्तर पर ये कोई चीज़ नहीं है जी जी। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे के डराने के लिए कहते हैं ना आपको काग झुल्लू आएगा जी आएगा, हैं, और उसके कारण बच्चा डर जाता है जी, डर जाता है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही दिखावा बना रखा है उन्होंने, अगर इससे अगर डर का भाई ईश्वर की भक्ति करो, फलाने की भक्ति करो, तेरा कल्याण हो जाएगा जी, इसीलिए लोगों को फंसाया हुआ है। और कबीर साहब ने इस चीज़ का खंडन किया जी, है, उसने कहा उनको अपना जो हो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, है आप पारखी हो, आप सब चीज़ की पारख करते हो, आप पेड़ पौधों को तुम जानते हो, पेड़ पौधे तुम्हें नहीं जानते, जानते नहीं जी। ऐसे सभी ने ऐसे ही काम, ये दो शाख ऐसी है, एक तो महात्मा बुद्ध की और एक जो ये जो है इसे कबीर साहब की जी, जो जो एक वर्ग करता है बस, इसका पाखंड का विरोध कबीर मत के अंदर जी जी, बाकी और दूसरे है वे सब भरमिश है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी कि कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, हम तो जैसे बुद्धिस्ट है तो बनते को भिक्षु बोलते हैं, आप भी भिक्षु हो गए, जो जो संसार में सन्यासी होगा वो भिक्षु हो गया, जैसे मांग के खाना है। तो इनमें अपनी आरती उतरवाते हैं इसमें? हाँ, ऐसा है, ऐसा होता है जी, जैसे पारख सिद्धांत के अनुसार जी है, जितने महापुरुष संत होंगे जी है, तो जैसे सत्संग समाप्त होगा जी, सत्संग समाप्त होगा आरती कर लो या ना कर लो, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसका भाव बनता है, वो जी भाव बनता है बस, और कुछ नहीं। वह अगर आरती से किसी का भला हो या कुछ ऐसा भला किसी का होने वाला नहीं है जी जी, लेकिन वह आस्था बनी रहे जी, इसलिए तो इसलिए आरती का जैसे जैसे आप कहीं रण में लड़ने के लिए गए जी हैं, हाँ, और आपकी विजय होगी जी हैं, तो आपका मान सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही जैसे सत्संग समाप्त हो जाता है सुबह के टाइम जी, या कभी भी किसी का दो घंटे का। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, सत्संग ऐसी क्या चीज है? सत्संग सत्संग चल रहा है इस देश के अंदर, क्या होता है सत्संग में? सत्संग का ये होता है अपने अच्छे बुरे कर्म से। हाँ, दुनिया में जितने सत्संग चल रहे हैं हमारे देश में चलते हैं ये, हाँ, ये सारी ब्रांड जो है, हाँ, भारत से बाहर कहीं नहीं है, ये कहीं कहीं मुसलमानों ने 800 साल शासन कर लिया, किसी के हथियार नहीं चले, कृष्ण के इनको भी जम लग गया, राम के इनको भी लग गया, शिव जी को भी लग गया, और कबीर जी को भी लग गया, संसार के हर भारत के हर आदमी संत महात्मा को खुंटी बटांग दिया उन्होंने, टांग दिया, और 800 साल मुसलमानों ने खूब टॉप का शासन करा, आज भी कर रहे हैं वो, कहाँ चले गए वो? वही तो वे जो है ना, ये तो इनकी इनकी वो बात है ना। और यहाँ ये जो शुक्रताल है इसमें
हर हर कदम पर आश्रम, हर हर कदम पर आश्रम चले। सत्संग में क्या बोलते हैं ये सत्संग में? सत्य की तो आदमी को सबको पता, जिसकी चीज पड़ी है उसकी पड़ी रहने दे, जब मेरी नहीं है तो मैं क्यों उठाऊं। हाँ ये बहुत सत है, पर इसका सत्य सत्य का निर्णय का नाम सत्संग है जी। बस सत्य को ग्रहण करो, हाँ, असत्य का त्याग करो, हाँ, इसका नाम सत्संग। अरे जितने सत्य को सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं उतने ज्यादा ज्यादा जो है लुच्चे गुंडे काम कर रहे हैं। वे सत्संग की थोड़ी है। अब उसका क्या ब्रांड है? इनकी कुछ पहचान तो होनी चाहिए। उनकी पहचान तो ये आपने सुना, ये जो भाई डॉक्टर आप सतगुरु कबीर जी हैं, सतगुरु कबीर जी के उसमें जो है उनके नाम से लाइब्रेरी बननी चाहिए, उनके नाम से स्कूल बनने चाहिए ताकि लोग कबीर को जाने और संसार जाने और उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। रविदास जी के नाम से ज्यादा से ज्यादा कॉलेज बनने चाहिए, जैसे भगवान बुद्ध के नाम से कॉलेज है। पूरी दुनिया के अंदर संसार में बुद्ध को मानते हैं लोग। हाँ तो मानते हैं, तो जितने पूरे संसार में तो उनसे पैसा व्यक्त है, हाँ? और पैसा आकर के वे सब अपनी व्यवस्था पूरी कर लेते हैं, या स्कूल की हो या मान लो लाइब्रेरी खोल लो, हाँ? या कुछ भी मान लो कॉलेज खोल लो, है? या MBBS स्कूल खोल लो, जो जो भी है नहीं, वो उनमें उनमें ताकत है, हाँ? व्यक्तिगत में क्या ताकत हो जी जी, है? तो यहाँ इसका अब ये देखिए, ये इतने साल से 50 साल आपको हो गए, अब इसमें क्या चीज जो है सौंदर्यकरण इसका अच्छा हो? कोई कभी जो आपका सत्संग है कब है ये बताइए, अपना पूरा नाम वाम बताओ, कहाँ से रहने वाले हो, क्या मोबाइल नंबर है जो लोग कांटेक्ट करें। जो मैं सिसोदली आश्रम से हूँ जी जी। वहाँ साहेब जो हमारे साहेब थे उनका नाम विचार साहेब था जी, जो जिसको हम गुरु मानते हैं जी जी। और मेरा नाम, मैं उनका शिष्य होने के नाते उन्होंने मेरा नाम परीक्षा दास रखा जी, परीक्षा। और मैं जो मेरी जन्म भूमि चून से की है जी, जो शामली के पास है जी, तो वहाँ का मेरी जन्म भूमि है जी। तो इसलिए मैं 50 साल तक मैं पहला तो रहा वहाँ से शिष्य। भ्रमण तो आपने पूरे देश का करा होगा। नहीं, मुझे करने की क्या जरूरत, अपना अपने आप में अपने आप में घेरा कर लो, जैसे जैसे अगर इस कुर्सी का चक्कर काट तो हो गया भर में सर देश को। नहीं, वैसे घूमने फिरने तो गए होगे ना जगह जगह आश्रमों में सत्संगों में, भारत के दर्शन करें नहीं करें? नहीं देखो, हम तो व्यक्ति जैसे सत्संग होते हैं ना, हाँ जी, जैसे मान लो बुरहानपुर का हो MP में जी, दिल्ली में हो जी, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, वहाँ ऐसी जगह भ्रमण चला जा, क्यों वे संत पार की संत है, वे किसी को भ्रम में नहीं डालते जी जी, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं, अन्य तो पूरे हिंदुस्तान में भ्रम ही भ्रम फैला हुआ है जी जी। अब इसका तोड़ क्या होगा है जी? तोड़ क्या होगा, तोड़ इसका जो हटाइए? ये तोड़ होगा समाज को अच्छी दिशा देना जी, समाज को उपदेश करना इस चीज़ का, भाई ये पाखंड है इसका विरोध करो जी। है? अब हमारे सामने सूरजपाल जाटव आ रहा, जनता का साल भर में एक बार प्रोग्राम हो जा, ऐसे नया जन्म सा हो जा, अच्छा करने से जी, और जो जो कभी कोई नहीं मिला होगा जी वो भी मिल जाता है सत्संग। गुरु जी यहाँ सत्संग है, क्या तारीख का है? 24 तारीख का सत्संग है, 25 का भंडारा है। अच्छा, कितने लोग आने की उम्मीद है यहाँ? देखो जो तो अपनी व्यस्त है बुलाने के लिए, तो 500-400 तो आ ही जाने, फिर 400-500 आदमी आ जा। हाँ। तो 400-500 आदमी तो बहुत होते हैं, अगर एक आदमी 100 रुपये भी दे तो 50 वो सारा पैसा बैठ जाता है। ऐसा खर्चा भी तो होता है ना। अच्छा, तो हाँ? कितने साल से करते आ रहे हो आप ये काम? ये मुझे आज 23 साल हो गए यहाँ पे। हाँ जी। तो इसका जो बढ़िया तरीके से जगह भी काफी है, सौंदर्यकरण क्यों नहीं हो रहा सही तरीके का? सौंदर्यकरण तो इसलिए नहीं हो रहा, और महाराज भी नहीं है यहाँ ना, और कोई महाराज नहीं है, और कोई सहयोगी नहीं है, और ऐसा हम कहीं किसी से मांगने भी जाते हैं। आपका खर्चा कैसे चला है? खर्चा ऐसा चला है, सत्संग कराएंगे, सत्संग में पैसे भी आ जाएंगे और राशन भी आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा, चल गया पूरे साल का काम, चल जाएगा पूरा। तो आप लोग जो है इसमें ना तो भगवान बुद्ध की फोटो लगा रखी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो क्यों लगाते हैं हमारे जितने लोग हैं? ये
बाबा साहब ने जो फोटो लगाते हैं, बाबा साहब ने हमें हक दिलाया, बाबा साहब के हम ऋणी है, हम उनका एहसान कभी भूल नहीं सकते, हमें बंधनों से उन्होंने छुटाया। इन सभी चुंगल जो है नी, इनसे मनुवादियों से हमें उन्होंने बचाया, तो इसलिए हम बाबा साहब का फोटो हम मानते हैं उनको, और अपना पूजनीय मानते हैं। जो हमें हक दिया तो बाबा साहब ने दिया, हमें किसी देवी देवता ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी भगवान बुद्ध ने नरसिंह जितने विष्णु भगवान देवी देवता बन गए, किसी ने हमें कोई हक किसी प्रकार का कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। गुरु जी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग एक जिस तरीके से फिल्म होती है, फिल्म के अंदर किसी नंगी हीरोइन का फोटो छाप देते हैं कि लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो हम पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने किसी सत्संग में जाने के लिए बोला, बाबा साहब का पूरा परिवार कबीरपंथी था, हाँ। और जब बाबा साहब ने अध्ययन करा तो उन्होंने कहा भाई बुद्धिस्ट हम है, हमारा जो समाज है वो प्योर पुराने टाइम का बुद्धिस्ट है, केवल हम ही लोग हैं। तो आप लोग जो है सब लोग अलग अलग विचारधारा को चला रहे हैं, रविदास वाले जो मानते हैं वो भी फोटो लगा रहे हैं भगवान, उन्होंने कहा जी डॉक्टर अंबेडकर को हटाओ, सतगुरु रविदास जी हमारे आस्था के हैं। अब लास्ट में घूम फिर के बात यही आती है कि जो चीज है वो तो अधिकार तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी ने दिए नहीं दी। है जी, और डॉक्टर अंबेडकर इन चीजों का विरोध करते हैं कि भाई तुम्हें सत्संग फत्संग में नहीं जाना, तुम्हें तो कॉलेजों में जाना है, और हमारे जो महाराज बने हुए लोग हैं ये ज्यादातर आस्था में डुबो रहे हैं, ऐसा क्या? किसी पैसा कमाने के लिए जी, जो पैसा है ना, पैसा कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है जी, है ना। ये तो पैसा कमाने के तो बहुत सारे साधन है, साधन तो ये एक साधन बिना करे ही है, हाँ। ये जो साधन है ना, बिना करे जितने लोग जुड़ोगे उतने घना पैसा होगा जी, बोला जी। और किसी कहने एक बार कहने जैसे यही कह रहा है अगर धर्म से जुड़ो इससे जुड़ो, अकबर रविदास या धर्म है उनको, उनको इससे रविदास जी का कौन सा धर्म होगा है जी, रविदास जी का कौन सा धर्म ये कह रहे हैं रविदास या धर्म है उनको इससे चलो। नहीं, रविदास जी का धर्म कैसा आगा है जी, रविदास जी ने तो कोई धर्म की स्थापना नहीं करी। किसने? रविदास जी ने नहीं, उन्होंने क्या, उन्होंने तो समाज का सुधार किया, हाँ। समाज के लिए, और ये भी कहा तुम्हें कहीं भाग नहीं, कहीं जरूरत नहीं, हाँ। उनका मन चंगा और कटोटी में गंगा, गंगा। अब उसको लोग गंगा जी पर जाकर ढूंढ रहे, यहाँ है मन चंगा है, और उन्होंने तो अपने अंदर का अपने आप का सुधार करो, हाँ। और अपने मन को एकांत में, जितने संतों को हम पढ़ते हैं चाहे रविदास जी हों चाहे कबीरदास जी हों, भगवान बुद्ध की वाणी जो बोली जाती है वो थोड़ी बहुत जो 50% है वो कबीर जी ने बोली है, हाँ। क्योंकि बुद्ध ने पाखंड का विरोध करा, कबीर जी ने पाखंड का विरोध करा, बाकी सब आस्था फड़ाने हैं। पैसे की आफत ज्यादा है, पैसे की आफत। अब यहाँ कितने आश्रम है यहाँ पे कबीर जी के या रविदास जी के या और समाज के? देखो जी यहाँ तो हमारे तो ये दो आश्रम है यहाँ तो, कबीर साहब के तो, अच्छा, और रविदास के आश्रम है यहाँ से कम से कम 14-15। अच्छा जी, 16 बताए मुझे, हाँ 16, इतने आश्रम यहाँ। अब इन 16 आश्रमों में मतलब जो मैं वो देखता हूँ स्टार्टिंग में बड़े हुए, जो सबसे पहला जो सतगुरु रविदास जी का वो आया पहला वाला, उसमें उसके साथ में डॉक्टर अम्बेडकर आश्रम भी बना हुआ जाटव आश्रम बराबर में, हाँ बराबर में, हाँ। अब इधर ये अमलदास जी महाराज हैं, इनका अलग हो गया, और आगे मैं देख रहा था उसमें सतीश जी महाराज हैं वो अलग लेकर ब्रांड बैठे हैं, हाँ। तो इन्होंने इतने सारे आश्रमों में होता क्या है? होता क्या अभी आगे अभी मुझे पता है उन्होंने डॉक्टर साहब कटारिया जी ना कि आगे भी कोई आश्रम है जिसमें आज सत्संग होना है, रविदास आश्रम के नाम से है वो भी। अच्छा, हाँ जी, वहाँ भी भंडारा 24 घंटे चलता रहा है? नहीं 24 घंटे, आज सत्संग होगा, हाँ। रात का खाना हो जाएगा, फिर इसके बाद में सुबह खाना हो जाएगा, और बस चले जाएंगे एक दो आदमी है फिर। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए जी, चलो खैर कोई बात नहीं, 24 तारीख के लिए आप मैसेज दे दिया, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है,
और ये गुरु जी हैं हमारे, सुक्कड़ ताल में जब भी आए आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क कर सकते हैं आप। और बहुत पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया, लेकिन लोगों में घर घर नहीं जा पाए आप लोग, जैसे पुराने टाइम पे महाराज जा रहे थे सब लोगों को, जैसे इन्होंने मनुवादियों ने बढ़ाया। हमारे जो संत हैं वो एक जगह मठ बना के बैठ जाते हैं। ऐसा है ना, अगर हमें जैसे ये करें ऐसे ही करेंगे और तो हमारे मन में क्या फर्क हो जी जी जाएगा। जी नहीं फर्क नहीं, हमें कबीर जी की वाणी को तो, कबीर जी के उपदेशों को तो घर घर पहुंचाना चाहिए ना। बहुत घर घर तो पहुंच, जो को जिसकी आस्था है वही चलेगा ना। जी 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 जैसे कबीर साहब की वाणी है, जी जी किसी को तो अच्छी लगे हाँ किसी को नहीं लगे, हाँ है वे पाखंड के प्रवोते हैं, इसलिए वे बात उनको अच्छी नहीं लगती। जी जी तो जिसे जो बात अच्छी लगे तो देवी देवता भी जा, देवी देवता पर भी जा, कहीं कहीं जा, है उनको अच्छी, उनको जो अच्छा लगा वो ही तो कर रहे हैं ना, जी जी और जो हमें अच्छा लग रहा हम कर रहे हैं। अब इस जो ये आश्रम है सतगुरु जी का, इसकी विरासत वगैरह किसी को करी है? नहीं अभी कुछ नहीं करे, तो फिर अब इसका मालिक कौन बनेगा? अब तो आप उसके बाद में कौन सा, कोई संत है, कोई संस्था है, कुछ तो बना के जाइए। आएगा वो अमरदास जी जाएंगे ना, मैं पूछा था उनसे अमरदास जी से, मगर भाई ये आश्रम संभालोगे आप? हाँ कह रहे हाँ, तो उनसे मैं कमलदास जी कबीर बनती हैं? अमलदास जी वे सुराने वाले। हाँ अच्छा, अमलदास जी महाराज सुराने वाले। अच्छा हाँ अच्छा, मैं उनसे पूछा था आप जी जी आएंगे, मगर अगर जो मान लिया मगर इस आश्रम को आप संभाल लोगे? कह हाँ रहे हाँ, मगर फिर तो हम इस चीज की घोषणा कर देंगे भाई, मेरे हाँ बाद में ये है हाँ नहीं? अब उन पर दो आश्रम पहले भी है ना ऑलरेडी, एक सुराने का है, एक उनका मेरठ के अंदर है। सुराने वाले में तो मैं ऐसे ऐसे ही रहा, उस प्रोग्राम के हिसाब से हाँ जाऊँ। जी जी गाजियाबाद में रहे, मेरठ में रह रहे थे जब, है मेरठ ये संसार विरोधी है ना, जी किसी किसा कोई अच्छा लगा किसी को कोई अच्छा लगे, है उससे विरोध करा मेरठ वालों ने, वहां से निकाल दिया, है कपट रहा, कपट करा रहा वो वहां से, तो लोग बाग विरोधी तो बहुत है ना ये। जी जी और समाज का जो आश्रम है जी ये आश्रम व्यक्तिगत जी है, जिसलिए हम बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी अगर जो ये सामाजिक होता ना हमें भी मक्की की डाल निकाल कर और दूर फेंक देते, जी तो ये समाज का ये हाल है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग कुछ मीठी वाणी कुछ कबीर जी के बोल दीजिए चलते चलते, कुछ सिखाया आपने, 50 साल पूरा जीवन लगा दिया आपने। सिखा तो एक तो मेरे पास गाना नहीं, अब तक ना मैं कभी गाया जी कुछ, और कुछ कुछ क्या कबीर साहब के बारे में तो बहुत कुछ है। आपने क्या चीज करी? बहुत छोड़ो, किताबों में भी है वैसे भी है। किताबों में मैंने तो दो काम करे, जी एक तो समाज की सेवा जी भला जी, और एक जो है गुरु के वचन पर चलना जी एकाध वचन गुरु जी का बता दो, कोई हो है गुरु जी का एकाध वचन। वचन सारे अनुभव उन्होंने कहा, उनको जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल प्यास, और मुझ ही ऐसा हो रहो जो सब सुख तेरे पास है। तो अगर मान लिया जो जो चीज है वो आपके पास में भी है, वो हमारे पास में भी है, बोला जी जी उन्होंने ये निकाह मैं आती है बाहर से कहीं नहीं, ये आपके अंदर से ही उगजती है, जितनी भी है जो जो चीज है अपने अंदर से ही, चाहे आप बुरा बुरा कर्म करो चाहे भला, बुरे बुरे भले का तो है कर्म। परीक्षक दास नाम है आपका? हाँ परीक्षक जी दास। हाँ जी चलो बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। ये हमारे साथ कबीर भिक्षु हैं और पूरा जीवन इन्होंने लगाया। 24 तारीख को सत्संग कै बजे से कै बजे तक है ये और बता दो। शाम को 8 बजे से जी और सुबह 4 बजे तक होगा जी उसके बाद? उसके बाद में खाना होगा, भोजन होगा, उसके बाद में भी जाए। जी चलो बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से, हम तो शुभकामना आपको नहीं दे सकते। और आप सब लोग इसमें आइए, कबीर जी की वाणी को सुनिए, बहुत अच्छे इनके प्रवचन होंगे,
सभी को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय सतगुरु कबीर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, नमो बुद्धाय, जय भीम।